Hello and welcome back to my channel. So today in this video we will talk about the National Film Awards, which is the ceremony recently held in New Delhi on 22nd March, and the award has been given to the various awardees. So we will just discuss what are the National Film Awards and what are its in which different categories the award has been given. So we'll discuss one by one. So as you can see, the National Film Award is the most prominent film award ceremony in India, established in 1954 mein isko establish kiya gaya tha, and ye administered hoti along with the International Film Festival of India and the Indian Panorama by the Indian government's directorate of film festival DFF since 1973. So DFF jo hai isko since 1973 se jo hai wo award jo hai wo usko dekh raha hai, and every year a national panel appointed by the government select the winning entry. सो हर साल जो है एक पैनल बैठता है एंड उसमें जो है डिसाइड किया जाता है कि किसको जो है अवार्ड दिया जाएगा. एंड एज यू कैन सी देयर आर द इन 2021 जो वेरियस अवार्ड जो है 2019 के लिए जो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हियर द अवार्ड्स आर गिवन. बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मनोज बाजपेयी एंड धनुष को मिला है फॉर हिज मूवी भोंसले एंड असुरन. भोंसले जो मनोज वाजपेयी को मिला है, असुरन के लिए धनुष को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड. एंड आप देख सकते हैं कंगना रनौत को जो मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है. एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को अवार्ड मिला है विजय सेतुपति को सुपर डिलक्स के लिए. सो आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये आ जाता है. नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, जो पल्लवी जोशी को मिला है द ताशकंद फाइल्स के लिए. ये याद रखिए नाम. बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जो है बी पराग को तेरी मिट्टी के लिए. एंड द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है सवानी रविंद्रा को. और ये है अपना राम पेटाला वाले गाने के लिए. एंड बेस्ट डायरेक्टर जो है वो है संजय पूरन सिंह चौहान अपना भत्तर हुरैन के लिए. और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी गिरीश गंगाधरन को जल्लीकट्टू के लिए. एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी स्टिल नॉट अनाउंस्ड. सो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे अभी इसकी हिस्ट्री क्या है. सो विल जस्ट गो थ्रू हिस्ट्री. द अवार्ड वर फर्स्ट प्रेजेंट इन 1954. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव्ड द सेरेमनी टू ऑनर फिल्म्स मेड अक्रॉस इंडिया ऑन अ नेशनल स्केल टू एनकरेज द फर्दरिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर. Since 1973, the Indian Directorate of Film Festival administered the ceremony along with the other major film events in India annually. So, हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं DFF के द्वारा. Okay, so juries जो हैं एक the National Film Award are present in two main categories. ये जो अवार्ड है टू कैटेगरी में दिया जाता है, फीचर फिल्म एंड नॉन फीचर फिल्म. ये फीचर फिल्म वो होती है जो कि एक फुल मूवी होती है जिसको आप बोल सकते हो 100 से 120 मिनट्स के. नॉन फीचर फिल्म जो होती है 20 मिनट या मतलब कम टाइम के लिए जो मूवीज़ होती हैं, दैट इज़ इट इज़ गिवन इन टू कैटेगरीज. सो जूरीज आर अपॉइंटेड बाई द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, जैसे कि मैंने बताया. एंड नाइदर द गवर्नमेंट और द डायरेक्टर हैव इन्फ्लुएंस ओवर द फिल्म्स आर सेलेक्टेड फॉर कंसिडरेशन. सो इसमें डायरेक्टर और डायरेक्टरेट एंड द गवर्नमेंट का कोई इतना इन्फ्लुएंस होता नहीं है. सो एक कम फेयर डिसीजन जो है इसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. अभी हम थोड़ा बात करेंगे इसका जो अवार्ड्स हैं. द अवार्ड्स आर कैटेगराइज इन थ्री सेक्शंस, फीचर नॉन फीचर फिल्म एंड द बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा. ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने. एंड सो जस्ट यू हैव एन आइडिया अबाउट लाइक व्हेन इट इज स्टार्टेड एंड इन विच. नाउ वी विल सी द वेरियस अवार्ड विनर्स का लिस्ट जो है हम देखेंगे किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है. नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 विनर फुल लिस्ट. धनुष, विजय सेतुपति, मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत विन बिग अवार्ड्स. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. आप देख रहे हैं ये हमारी कंगना रनौत जी हैं, ये सेतुपति जी हैं, ये भोंसले जी हैं. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स. द अवार्ड्स आर फॉर फिल्म फ्रॉम द ईयर 2019, जो 2019 की जो मूवीज़ हैं उनके लिए अवार्ड अभी कंडक्ट हुआ है. कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया, सो ये अभी 2021 में हो रहा है. द इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. द अवार्ड ऑनर द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स फ्रॉम अक्रॉस वेरियस फिल्म इंडस्ट्रीज इन द कंट्री इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम एंड मराठी अमंग अदर्स. ये सारी लैंग्वेज में जो है ये अवार्ड दिया जाता है. वाइल कंगना रनौत रिसीव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म मणिकर्णिका एंड पंगा. लेटर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत स्टारर छिछोरे वॉज अवार्डेड द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड. छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड दिया गया है.
आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट तेलुगु फिल्म है जर्सी एंड नाउ बेस्ट मलयालम फिल्म है कलानोटम, बेस्ट तमिल फिल्म है असुरन जिसके लिए हमारे धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट पनिया फिल्म है किंजीरा, बेस्ट मिशिंग फिल्म अनु रुवाड़ी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप देख सकते हैं। द वेरियस लिस्ट पंजाबी फिल्म रब द रेडियो टू है एंड उड़िया कलीरा अतिया साला बुधर बदला मणिपुरी, दीज आर ऑल द अवार्ड विनर फिल्म्स एंड आपको ये सब लिस्ट जो है आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कौन कौन से विनर्स हैं। बेस्ट लिरिक्स जो है मलयालम का जो मिला प्रभा वर्मा ऑफ कोलंबी उनको मिला है, म्यूजिक डॉक्टर डी इमाम फॉर विश वाशम तमिल में मिला है, सो दीज आर द ऑल वेरियस अवार्ड्स। सो आपको जस्ट एक मेन अवार्ड जो है वो पता होना चाहिए, सो दीज आर ऑल द लिस्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं एंड यू जस्ट गो थ्रू इट। So I hope you found this video informative and if you like this video then please do like, share and subscribe to my channel for more such videos.